इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक मेटालिक स्फेयर है जिसकी रेडियस हमें गिवन है 4.2 सेंटीमीटर, और उसे मेल्ड करके एक सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट किया जाता है और जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इस सिलेंडर की हाइट। तो एक स्फेयर है, उसको हम मेल्ट करते हैं और क्या बना रहे हैं, सिलेंडर। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, तो हम दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करके हम उसकी हाइट को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? पहले हमें रेडियस किधर दे रखा है, हमें स्फेयर का 4.2 सेंटीमीटर और सिलेंडर का रेडियस दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। हाइट अगर हम मानते हैं एच, तो पुट करते हैं वैल्यू, तो दोनों का वॉल्यूम होगा बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों के फॉर्मूलों में पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट करके देखते हैं, 4/3 πr, ठीक है, और वहीं इसका क्या होता है, πr² h। सो 4/3 π से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। और रेडियस कितनी की बने हमें उसकी, क्या नाम है, सर्कल, उसकी स्फीयर की रेडियस कितनी की बने हमें, यार रेडियस हमें गिवन है 4.2। सो बेसिकली दोबारा पढ़ते हैं एक बार, तो 4/3 and 4.2 × 4.2 × 4.2। एंड दूसरी साइड क्या होगा हमारा, रेडियस कितनी गिवन है, 6 × 6 × और हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो बेसिकली इन दो, ये जो 6 × 6 है इसको इस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो या फिर 6 से इसे काट दो, ये आ जाएगा 0.7, 6 से इसे काट दो, ये आ जाएगा 0.7। तो h इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली 0.7 × 0.7 × 4.2 × 4 / 3। तो h इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2.74 सेंटीमीटर। फाइन, सही, ऐसे हो गया। ऐसे क्वेश्चन होंगे इस पूरी एक्सरसाइज में, ऐसे ही इस तरह के एंड थोड़े दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होंगे। और करते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, 3 मेटालिक स्फेयर है, पहले की रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, दूसरे की दे रखी है 8 सेंटीमीटर और तीसरे दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और उन तीनों को मेल्ट करके यानी पिघला के एक बड़ा सिलेंडर स्फेयर बनाया जाता है। मतलब एक छोटा है उस, फिर इतना है, थोड़ा बड़ा है इससे, फिर इतना बड़ा है, उन तीनों को मेल्ट करके एक बहुत बड़ा स्फेयर बनाया जाता है, ठीक है। और पहले की दे रखी है 6, दूसरे की 8, तीसरे की 10, और हमें फाइंड क्या करना है, ये रेडियस फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ईजी है, लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले स्फीयर वन का वॉल्यूम निकालते हैं, ये आ गया, ठीक है। स्फीयर टू का वॉल्यूम निकालते हैं, ये होगा, ठीक है, और उसमें 8 वैल्यू पुट करेंगे बाद में। स्फीयर थ्री का वॉल्यूम भी ये होगा, ठीक है, और तीनों की जो रेडियस है उनको r1 r2 r3 मानेंगे। सो जो रिजल्टिंग जो स्फीयर होगा उसका वॉल्यूम तीनों के स्फीयर के बराबर होगा। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, 4/3 π R³, और दूसरी साइड क्या होगा, 4/3 π, ब्रैकेट में क्या होगा, कॉमन ले लेंगे 4/3 π को, और अंदर क्या आ जाएगा हमारा, r1³ r² + r³, ठीक है। और इससे ये वाला ये पूरा पार्ट कट जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, r³ = r1³ + r² + r³, ठीक है। और दोनों इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1728। और इसका क्यूब क्या होता है हमारा, ये क्यूब होता है 12 का, तो r = आ जाएगा हमारा 12। तो जो रिजल्टेंट स्फीयर था उसका रेडियस कितना था, 12 सेंटीमीटर। फाइन, सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक डीप वेल है, वेल मीन्स कुआ है, जो 20 मीटर गहरा है, डायमीटर दे रखी है 7 मीटर, मतलब रेडियस कितनी होगी, 3.5 मीटर। उसे खोदा जाता है और जो मिट्टी निकाली जा जाती है उससे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। प्लेटफॉर्म मतलब किस शेप का होगा, क्यूबॉइड शेप का होगा, जिसकी लेंथ रखी है इतनी 22 मीटर, ब्रेथ रखी है 14 मीटर। हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा,
यानी कि वेल का जो शेप होती है वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई एल इंटू बी इंटू एच। और हमें क्या फाइंड करनी है, एच एच को यहीं छोड़ देंगे और इसको नीचे ले जाएंगे और सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली रेडियस इतनी हो जाएगी, हाफ ऑफ इट है ना। तो जैसे कि मैंने बताया था, दोनों को बराबर रख देंगे, ये रहा, दोनों को बराबर रख दें और एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.5। तो इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक वेल है जो 3 मीटर, जिसकी डायमीटर है 14 मीटर, डीप है मतलब 14 मीटर गहराई है उसकी, उसमें से भी मिट्टी निकल जाती है और उसके चारों तरफ मतलब उसके चारों तरफ एक सर्कुलर रिंग बनाई जाती है, बनाते हैं ना सर्कुलर रिंग होती है किसी भी कुएं के साथ चारों तरफ, और उसकी विड्थ दे रखी है 4 मीटर, ठीक है। इसे कहेंगे हम एम्बैकमेंट, ठीक है। और हमें फाइंड करनी है इस एम्बैकमेंट की हाइट। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो कुछ इस तरह है। जो कुआ है वो 14 मीटर गहरा है, ठीक है, और उसके चारों तरफ ये सर्कुलर सा रिंग बनाई जाती है। तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो देखो गाइस, ये भी एक सिलेंडर है और ये जो चारों तरफ ये रिंग बनाई है ये भी एक सिलेंडर है, लेकिन ये खोखला सिलेंडर है ऊपर वाला और ये एक सॉलिड सिलेंडर है। तो खोखले सिलेंडर का बताओ क्या होता है रेडियस का फॉर्म, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो बेसिकली अगर वॉल्यूम वॉल्यूम निकालना हमें खोखले सिलेंडर का, तो बेसिकली होता है पाई एच ब्रैकेट में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। R2 का बेसिकली क्या है, आउटर रेडियस, एंड R1 क्या है, इनर रेडियस, ठीक है। तो आउटर क्या होगी इसकी रेडियस, सेंटर से लेकर पूरे बाहर तक। तो थ्री जो बेसिकली इसकी रेडियस कितनी गिवन थी हमें, इसकी डायमीटर गिवन है इतनी। तो बेसिकली रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, अगर डायमीटर दे रखा है 3, तो रेडियस हो जाएगी 4.5 हो जाएगी हमारी आउटर हो जाएगी, और 1.5 हो जाएगी हमारी इनर रेडियस, ठीक है। निकल जाएगा, तो दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे, अब तो उसकी हाइट निकल जाएगी, इजी क्वेश्चन है। बेसिकली क्या करना है हमें, लेट मी सॉल्व हियर। सो बेसिकली क्या होगा हमारा पाई, सॉरी, सॉलिड का एक तो इसका वेल का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वेल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, एंड इसका क्या होगा, पाई एच आर टू, बेसिकली R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, और हमें निकालना हाइट निकालनी है। हाइट को हम ये नहीं देते हैं और मल्टीप्लाई पुट कर देते हैं, तो जो बाहर वाला है, अच्छा बाहर वाली की रेडियस निकालें ना, इसमें ये वाली रेडियस निकालनी गाइस, ये वाली रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये करेंगे हम एच को यहीं छोड़ देंगे और ये हो जाएगा हमारा R² / H, और सॉरी, तो इसे मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, एच इक्वल टू, और R² की वैल्यू कितनी रखी है हमें, ये बड़े वाले सिलेंडर की, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 1.5 ही होगी। 1.5 का स्क्वायर अपॉन में एच, और यहाँ आ जाएगा हमारा 4.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दोगे हमारी एच की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ रह गई यहाँ, हम यहाँ एच की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि इसकी तो हाइट गिवन है हमें। इसकी हाइट दे रखी है हमें 14, ठीक है, तो 14 पुट कर देते हैं। कुछ इस प्रकार आएगी, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का होता है 225, ठीक है। तो 2.25 मल्टीप्लाई 14 और मल्टीप्लाई कर दो उसे, तो आपका आ जाएगा ये आंसर। नीचे आ जाएगा हमारा, एक तो एक बार माइनस कर देंगे, एक प्लस कर देंगे, तो इसका हो जाएगा कुछ इस प्रकार, ये हो जाएगा
जाएगा 6.0 × 3। सॉल्व करते हैं ऐसे, और सो ये 3 से कट जाएगा, उससे आ जाएगा हमारा 0.075 है ना, और कट रहा है 2 से ही काट देंगे 7 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, फिर 3 से काट दो तो ये 0.5, और 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.05। हाइट कुछ आ रही है 1.05 समथिंग, यही आ रही है। सो हमारी आ गई 1.125 आ गई, तो सिमिलर है काफ़ी हद तक। सो हाइट हमारी ऐसी निकलेगी, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान से सुनना। एक कंटेनर है, कंटेनर की शेप क्या है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, और उसकी रेडियस हमें इतनी गिवन है, हाइट इतनी गिवन है, वो पूरी आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है, और जो आइसक्रीम है उन्हें भरा जाता है कॉन्स में, होती है ना कॉन्स वाली आइसक्रीम, उनमें भरा जाता है, और उसकी रेडियस दे रखी है इतनी, हाइट दे रखी है इतनी, और डायमीटर दे रखा है इतना है। तो हमें फाइंड करना है हम कितने कॉन्स इससे भर सकते हैं, क्योंकि एक है हमारे पास कंटेनर जिसमें आइसक्रीम भरी पड़ी है, और इससे हमें छोटे छोटे कॉन्स में आइसक्रीम भरनी है, तो हम कितनी भर सकते हैं वो फाइंड करना है। तो बेसिकली क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम को डिवाइड करना है, सिलेंडर वॉल्यूम से डिवाइड करना है एक कॉन के वॉल्यूम से, तो हमें फाइंड हो जाएगा कितने निकाल सकते हैं। तो आराम से करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉइंस विल भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कौन। सो फॉर द सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा, इसका वो निकालते हैं वॉल्यूम, तो आ जाएगा हमारा 540 फाइन। सो हर बार बार बताने की जरूरत नहीं है अब। एंड कौन पार्ट का वॉल्यूम कितना आ जाएगा हमारा, कौन पार्ट का वॉल्यूम कहाँ है, तो बेसिकली कौन पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 πr² h एंड 1/3 है ना, पाई को रहने देते, पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, एंड 3 × हाइट कितनी रखी है 12, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 36 πcm³, ठीक है, इतना आ गया। सो बेसिकली क्या करना है हमें, और क्योंकि एज वी नो दैट कि गाइस जो कोन होते हैं, कोन को बस इतना ही फिल नहीं किया जाता, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर भी बनाया जाता है, ठीक है, तो इसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम के बेसिकली क्या होगा रेट, तो वॉल्यूम होता कितना, इसका वॉल्यूम होता हमारा 2π3πr³, ठीक है, दो तो दोनों के वॉल्यूम को प्लस करेंगे, तो कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, तो 36π हमारा निकला था, 18π प्लस करेंगे तो इसमें आ जाएगा 54π, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉन्स क्या होंगे हमारे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो कॉन में क्या आ रहा हमारा, हेमिस्फेयर भी आ रहा, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे सिलेंडर के वॉल्यूम से, तो हमारा जाएगा नंबर ऑफ कॉन्स कितने आएंगे, 10, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल आइसक्रीम से एक सिलेंड्रिकल जो आइसक्रीम जिसमें भरी पड़ी है उससे हम 10 कॉन फिल कर सकते हैं। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सो एक कॉइन है जिसकी डायमीटर हमें दे रखी है 1.75 सेंटीमीटर एंड उसकी थिकनेस दे रखी है 2.2 मिलीमीटर, ठीक है। सो कॉइन आप इमेजिन करोगे तो कॉइन भी एक तरह का सिलेंड्रिकल शेप होती है उसकी भी, ठीक है, उसकी भी थोड़ी हाइट होती है, तो जो थिकनेस होगी वही इसकी हाइट होगी। उसे मेल्ट किया जाता है क्यूबॉइड में जिसकी डायमेंशन दे रखी है इतनी, तो हमें बताना है कि कितने कॉइन्स लगेंगे जिससे इतना बड़ा क्यूबॉइड हम बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा उससे डिवाइड कर देना है एक वॉल्यूम के, एक कॉइन के वॉल्यूम से। तो क्या निकालेंगे, पहले वॉल्यूम निकालते हैं उसका, तो बेसिकली क्या होगा, सो वॉल्यूम निकालते हैं क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, और जो कॉन का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, बेसिकली सिलेंड्रिकल में होगा, तो बस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, बेसिकली
5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5, और इधर आ जाएगा हमारा पाई, है ना? एम आई डूइंग राइट? यस। एंड इधर आ जाएगा हमारा पाई मल्टीप्लाई 0.875। तो कैलकुलेशन काफ़ी ट्रिकी है यहाँ। सो आपको कैलकुलेशन करनी है, ये पकाऊ होती है, तो आपके बहुत बोरिंग होती है। तो हम बस इनको सॉल्व करने के बाद आपका एन इक्वल टू आ जाएगा 400 कॉइन्स। मतलब क्या है, 400 कॉइन्स में इतने वॉल्यूम का हमारा एक क्यूबॉइड बन रहा है। मतलब 400 कॉइन्स को हम मेल्ट कर रहे हैं तब इतना बड़ा क्यूबॉइड बन रहा है, ठीक है? सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं बस क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, डिटेल में नहीं जा रहा, बस क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, क्या प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आपको बस समझ में आ जाएगा और अपने आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, क्योंकि मैं इतनी लेंथी वीडियो नहीं बना सकता, मैं बहुत बोर हो जाता हूँ फिर। फाइन, सो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है? सो एक सिलेंड्रिकल बकेट है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट दे रखी इतनी, रेडियस दे रखा इतना, उसे फिल किया जाता है एक सैंड से, ठीक है? सैंड से फिल किया जाता है, फिर इस बकेट को खाली किया जाता है ग्राउंड पे, और एक कॉनिकल शेप का एक सैंड से बनाया जाता है हीप। तो मतलब क्या होगा, एक ऐसा बनाया जाएगा हमारा हीप, ठीक है, कॉनिकल शेप में। तो इफ़ द हाइट ऑफ द हीप इस 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड करनी है, और रेडियस फाइंड करनी है और स्लेंट ऑफ द हाइट फाइंड करनी है। ये बहुत बोरिंग क्वेश्चन है, वही चीज़ है बेसिकली, बार बार वही चीज़ करनी पड़ रही है। तो बेसिकली क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। सो लेट मी डू दैट, यहीं कर देता हूँ मैं। सो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, दोनों की हाइट डिफरेंट है, रिमेंबर दैट। तो बेसिकली पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं हम, इतना तो कर सकते हैं। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? एंड व्हाट कैन वी डू देन, आप क्या कर सकते हैं हम इसमें, रेडियस दे रखी है हमारे 18, तो 18 मल्टीप्लाई 18, तो ये फाइंड करना है हमें बेसिकली किसकी हाइट है। ये है हमारी हाइट कौन की। सो 18 मल्टीप्लाई 18 और मल्टीप्लाई, क्या हाइट क्या है हमारी, हाइट है 32 सेंटीमीटर। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, रेडियस आ जाएगी उसकी, रेडियस तो फाइंड करनी है हमें, हाइट की मैंने, सॉरी। सो रेडियस फाइंड करनी है ना, तो रेडियस को यहीं रहने देंगे और हाइट को नीचे भेज देंगे। हाइट दे रखी हमारी 24, काटते हैं। सो ये आ जाएगा हमारा कुछ, ये आ जाएगा हमारा ये 4, ये 3, ये 6। अब आ जाएगा 24 और 18 को मल्टीप्लाई करते हैं। सो आर स्क्वायर कुछ आ जाएगा हमारा, आर स्क्वायर, ये आर किसकी है, कौन की रेडियस है, तो आर स्क्वायर हो जा रहा हमारा 18 मल्टीप्लाई 24। मल्टीप्लाई करो उसे जल्दी फटाफट, तो 30 से 36, और ये हो जाएगा ये, ठीक है? और 7 7 37 और 40, इतना आ जाएगा। तो रेडियस कितनी फाइंड हो रही है हमारी, लेट्स सी। जो रेडियस थी वो फाइंड हो गई हमारी 36 सेंटीमीटर। फाइन, वही करा इसने। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और एक 3 और मल्टीप्लाई होगा इसमें, ठीक है? सो जो होगा ये वही है, 18 स्क्वायर मल्टीप्लाई 32 अपॉन में 24, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये कट जाएगा यहाँ से 8 4, एंड कर दो मल्टीप्लाई। तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारा 18 मल्टीप्लाई 2, विच इज़ 36 सेंटीमीटर। तो आर टू आ गया हमारा 36। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट क्या होगा हमारा, 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो आएगा हमारा फॉर्म, डायरेक्ट आएगा हमारा अंडर रूट 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगी हमारी स्लैंट हाइट, ठीक है? अब ये क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट भी है।
बहुत मुश्किल है क्वेश्चन, तो उसे ढंग से समझना। फिर एक कनल है जो 6 मीटर चौड़ा है, 6 मीटर 1.65 मीटर गहरा है, और इसमें से एक पानी फ्लो कर रहा है, मतलब पानी निकल रहा है इसमें से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो ये कितना एरिया इरिगेट करेगा 30 मिनट में, अगर जो ये हाइट है या फिर स्लैंट, जो वाटर की हाइट भी तो होगी, अब जैसे फ्लो कर रहा है ना, जो इसकी वाटर की हाइट है ये दे रखी है बेसिकली 8 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है कि ये कितना एरिया इरिगेट करेगा, इरिगेट मतलब कितना एरिया गीला करेगा या फिर सिंचाई करेगा, जो भी समझना समझ लो। फाइन, सो वो विड्थ मतलब क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर मतलब ब्रेथ होगी, और हाइट दे रखी इतनी, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो स्पीड ऑफ कैनल है, मतलब जो पानी निकल रहा है इसमें से, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल रहा है। इट मीन्स कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, लेंथ कवर कर रही है, मतलब 60 मिनट में 10 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितनी हो जाएगी, इतनी 1 मिनट में, मतलब बेसिकली क्या है, 60 को जो 60 है इसको नीचे भेज देंगे, सो मतलब कितनी हो जाएगी ये 10/60। एंड 30 मिनट में क्या हो जाएगा, बेसिकली 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 किलोमीटर, मतलब क्या है, 30 मिनट में ये 5 किलोमीटर लेंथ कवर करती है। तो बेसिकली क्या है, हमारी लेंथ निकल गई इतनी। तो इससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कैनल का वॉल्यूम कितना होगा 10 30 मिनट में, मतलब 30 मिनट में इतना वॉल्यूम आ जाएगा हमारा, ठीक है, इतना पाउंड, ठीक है। तो लेंथ निकल गई हमारी कैनल की, तो लेंथ कैनल की लेंथ से हमारे निकल जाएगा हमारा इसका वॉल्यूम। फाइन, क्योंकि गाइस जितना पानी कैनल में होगा उतना ही तो वो एरिया कवर एग्रीगेट करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या, जो बेसिकली एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ एरिया एग्रीगेट मतलब क्या होगा, एरिया इरिगेटेड मल्टीप्लाई हाइट। तो हाइट क्या होगी हमारी, ये हाइट होगी हमारी क्या, ये हाइट होगी हमारी इसकी, ये बता रहा हूँ मैं तो आपको, ये हाइट होगी हमारी 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर, मतलब इतना पानी और थोड़ा ऊंचा है वो, ठीक है। तो एक तरह का वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा ना। तो बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एरिया मल्टीप्लाई हाइट होता है। फाइन, है ना। सो एंड वॉल्यूम ऑफ कैनल दे रखा हमारा L(b×H), और इसका निकल गया हमारा कैनल का वॉल्यूम निकल गया इतना, एरिया एग्रीगेटेड इरीगेटेड निकालना है, हाइट दे रखी है हम वाटर की इतनी, इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी सारी यूनिट हमारी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और तो बेसिकली ये निकालना है, तो इस चीज़ को हम लेफ्ट साइड भेज देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में 8 आ जाएगा। फाइन, सो एरिया जो आ गया हमारा वो आ गया इतना, इसे हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, 1000 10000 से, तो ये हेक्टेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एरिया होता है बेसिकली मीटर स्क्वायर में, नहीं हमें हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करना। आप यहाँ भी छोड़ दोगे ना मीटर में भी, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये भी क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है और काफ़ी समझने वाला क्वेश्चन है, लिसन केयरफुली। एक फार्मर है जो एक पाइप कनेक्ट करता है जिसकी इंटरनल डायमीटर दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और उसे कनेक्ट करता है एक सिलेंड्रिकल टैंक में। सिलेंड्रिकल टैंक मतलब एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल टैंक है जिसमें वो पानी भरता है अपने खेत के लिए, फील्ड के लिए, जो भी है उसका जो भी रीज़न हो, आई डोंट केयर। एंड जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसकी डायमीटर दे रखी है 10 मीटर, एंड गहरा है वो 2 मीटर। समझ सकते हो कि उसकी डायमीटर 10 मीटर है, तो कितना चौड़ा टैंक होगा वो। फाइन, जो वाटर की स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर की, हमें फाइंड करना है कि वो कितनी डिस्टेंस में, कितनी टाइम में वो जो टैंक है उसे फिल कर देगा, गॉट इट। सो कैसे फाइंड करेंगे, तो बेसिकली क्या है, हमें जो पाइप होगा उसकी शेप क्या होगी, लेट मी नो। सो बेसिकली पाइप की शेप अगेन वही होगी, क्या होगी, सिलेंडर की शेप होगी। तो बेसिकली फाइंड कैसे करेंगे इसे, जो पाइप है, ये पाइप, लेट मी शो यू,
जो ये पाइप है ये इसकी डायमीटर कितना दे रखा है हमारा, 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे, सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इसे, सॉरी 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 सॉरी, लेट मी डू दैट अगेन। तो सबसे पहले करना पड़ेगा हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, एंड देन डिवाइड करेंगे 2 से रेडियस को बनाने के लिए। तो डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, 0.1 मीटर। गॉट इट? सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, जो ये एरिया है ये कितना एरिया है, इसमें से पानी निकल रहा है तो बेसिकली ये एरिया कितना है इसका। तो एरिया फाइंड कैसे करेंगे, सो बेसिकली ये एरिया क्या होगा, सर्कुलर शेप में होगा, मतलब सर्कल का एरिया निकालना होगा। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस कितनी दे रखी है हमें, वो 0.1 दे रखी है, तो इसका आ जाएगा हमारा कुछ 0.01 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वाटर की स्पीड दे रखी है हमारी 3 किलोमीटर पर आवर, फाइन। तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा किसमें, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे मीटर पर मिनट में। क्यों मिनट, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर में हमारी यूनिट दे रखी है, और मिनट में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा हम यूजली क्वेश्चन किस में सॉल्व कर रहे हैं, आर में तो सॉल्व नहीं कर रहे, मिनट में कर रहे हैं, इसलिए तो करने के लिए करना पड़ेगा हमें। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो शॉर्टकट है इसका, तो बेसिकली लेट मी डू दैट फर्स्ट अगेन। 3 किलोमीटर दे रखा है तो मतलब इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फाइन, एंड 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। काटते हैं, काटा पीटी करते हैं, तो जी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड ये 2 आ जाएगा, 2 से ही आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा कुछ। तो कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, 50 मीटर पर मिनट। सो ये 1 मिनट में कितना वॉल्यूम होगा इसका, सो 1 मिनट में कितना वॉल्यूम होगा इसका, बेसिकली तो लेंथ निकल गई हमारी। सो 1 मिनट में कितना होगा इसका, बेसिकली लेंथ हो गई हमारी 20 मीटर, 50 मीटर, और क्रॉस एरिया कितना दे रखा हमारा, 0.01 पाई। तो एज वी नो दैट कि वॉल्यूम क्या होता है हमारा, हमारा वॉल्यूम होता है हमारा एरिया मल्टीप्लाई, ठीक है, लेंथ जो भी है, लेंथ हाइट, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा वॉल्यूम, निकल जाएगा मतलब क्या, 1 मिनट में कितना पानी निकलता है उसका वॉल्यूम कितना होगा, 0.5 मीटर क्यूब। टी टाइम में कितना पानी निकलता है, टी मल्टीप्लाई 0.5 मीटर क्यूब, फाइन। तो ये चीज़ हो गई हमारी, दो दो बार लिखते हैं इसने हैं। और जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका रेडियस देखो कितना होगा हमारा, 10 का आधा 5 मीटर, डेप्थ है 2 मीटर। तो जो वॉल्यूम होगा, तो बेसिकली क्या करना है, वॉल्यूम होगा और टी टाइम में जितना वो पानी भर रहा है। तो हम सपोज करेंगे, जो हम सपोज करेंगे कि टी टाइम में इतना पानी निकलता है, मतलब क्या है कि इतना पानी निकलता है कि वो टैंक को भर दे। तो बेसिकली क्या है, इतना पानी हो जो टैंक को भर दे, मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, एंड दोनों का वॉल्यूम कितना होगा, टी इंटू 0.5 पाई मल्टीप्लाई पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन में H2। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये रेडियस दे रखी है और हाइट है ये सिलेंड्रिकल टैंक की। सो पुट करते हैं तो टाइम हमारा निकल जाएगा बेसिकली कुछ इस तरह। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा समझना है, इसे प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की, तभी आप इसे दूसरी बार सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं करोगे तो आप कुछ ही मिनट्स में या कुछ ही घंटे बाद आप इस क्वेश्चन को भूल जाओगे, इसलिए इसे प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की। सो ये हो जाएगा हमारा टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, R2 का स्क्वायर मतलब H2 का स्क्वायर अपॉन में 0.5 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये चले जाएगा ऊपर, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, इतनी कितनी दे रखी है, 2 और 5 दे रखी है, मतलब 5 मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई हाइट है 2 अपॉन में 0.5, 0 हटाया 0 लगाया, 5 5 इतना आ गया। मतलब क्या है
कि जो पाइप है उससे पानी निकल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो पूरे टैंक को कितने मिनट में भर देगा? 100 मिनट्स में। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू वट एवर यू वॉन्ट टू से दैट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। फाइन, ठीक है, तो बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 13.4 के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे, और क्वेश्चन काफ़ी वही है, मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, सो टिल देन, बाय बाय।